हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मिशन 2.0 में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी यह बात विज्ञान में सहमत नहीं मानी जाती, क्योंकि यह धर्म का विषय है। इंसान की जिंदगी जितनी मुश्किल चीज है उतनी ही रहस्यमय होती है मौत की यात्रा। आज तक कोई भी इस बात का सही सही जवाब नहीं दे पाया कि आखिर इंसान के मरने के बाद उसका क्या होता है, मृत्यु होते वक्त शरीर को क्या महसूस होता है, उसका दिमाग क्या सोच रहा होता है। हम ज़्यादातर उन लोगों की बातों पर भरोसा करते हैं जो मौत को छूकर या फिर यूँ कहें कि कुछ सेकंड या मिनट के लिए मरकर वापस आने का दावा करते हैं। उन सभी की बातें एक जैसी नहीं होती है। करीब 2000 लोगों को अपनी आंखों से मरता देख चुके डॉक्टर थॉमस फ्लैश चैमन ने इसी आधार पर मृत्यु के पांच चरण बताए हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आइए जानते हैं। पहला चरण, फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग इंसान का सारा दर्द, चिंताएँ और डर खत्म हो जाता है। उन्हें कोई शोर नहीं सुनाई देता है और शांति महसूस करने लगता है। कुछ लोगों ने मरते वक्त खुशी महसूस करने की बात कही। सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग डॉक्टर थॉमस बताते हैं कि लोगों को अलग ही अनुभव होता है। कुछ लोगों को हवा में उड़ने जैसी अनुभूति होती है तो कुछ लोगों को लगता है कि उनका शरीर हल्का हो चुका है। तीसरा चरण, थर्ड स्टेज के दौरान इंसान को राहत मिलने लगती है। डॉक्टर थॉमस ने जिनसे बात की उनमें से 98% का कहना है कि उन्हें आराम मिल रहा था, लेकिन 2% लोग ऐसे भी थे जिन्हें भयानक आवाज़ें, गंध और खौफनाक जीव दिखाई दे रहे थे। फोर्थ चरण या फोर्थ स्टेज के दौरान मरने वाला शख्स तेज रोशनी देखता है और ये बेहद गर्म, तेज और अपनी खींचने वाली रोशनी धीरे धीरे काले अंधकार में तब्दील हो जाती है। अंतिम और पांचवा चरण, इस स्टेज में आप दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। 10% लोग जो मृत्यु के बाद वापस आए उनका कहना है कि उन्होंने एक खूबसूरत दुनिया देखी। वहाँ सुंदर रंग और सुंदर संगीत था। वहाँ पहुँचने के बाद प्यार की अनुभूति हो रही थी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही होता है। शरीर में मौजूद ऊर्जा जिसे हम आत्मा कहते हैं वह समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। आज हम सब ने मृत्यु के बारे में जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी मज़ेदार वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर ऑल इन पर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।